हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैंने बनाई है चने की दाल की खिचड़ी और मैं आपके साथ इसकी रेसिपी आज शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। तो दोस्तों, चना दाल खिचड़ी जो हम आज बनाएंगे उसके लिए मैंने लिया है एक छोटी कटोरी चना दाल। इसको एक घंटा पहले सोक कर दिया था और अब देखिए ये टूट रही है, यानी कि थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। और एक बड़ी कटोरी राइस लिया हुआ है, ये भी भीगा हुआ राइस है। और 8-10 लिए हैं मैंने काली मिर्च के दाने और 5-6 लौंग। हींग चाहिएगी, ऑयल चाहिएगा, आप चाहें तो घी में भी लगा सकते हैं। एक लार्ज साइज का अनियन है, 5-6 गार्लिक के क्लोव्स हैं, 4 ग्रीन चिलीज हैं और 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसको कि मैंने बारीक बारीक कस लिया है। और बाकी के हल्दी मिर्ची मसाले जो डेली के होते हैं बस वही चाहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चना दाल की खिली खिली खिचड़ी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने गैस पे रखा है कुकर और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। और ऑयल को होने देते हैं गर्म। ऑयल हमारा हो गया है गर्म और इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ ये जीरा, हींग और ये जो हमारे लौंग और काली मिर्च है, और इनको हल्का सा ब्राउन होने देते हैं। तो ये ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपने गार्लिक और इसको भी हल्का सा ब्राउन होने देंगे। गार्लिक हमारा हल्का भुन चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये अनियन। और इसको गोल्डन कलर आने तक, लाइट गोल्डन कलर आने तक रोस्ट करेंगे। और अब इसके साथ ही ये गार्लिक और जिंजर सॉल्ट। और इनको रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। और अब इसके साथ ही हम इसमें ये चारों अपनी ग्रीन चिलीज भी डाल देंगे और इनको साथ में ही फ्राई कर लेंगे। देखिए अनियन कितने अच्छे गोल्डन हो चुके हैं, हरी मिर्च भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इस टाइम पर मैं इसमें डाल दूंगी अपनी ये जो चना दाल है और इसको भून लूंगी। तो दाल यहाँ पर हमारी मसाले के साथ भून रही है और अभी तक मैंने इसमें सूखे मसाले कुछ भी नहीं डाले हैं, बस दाल को ऐसे ही फ्राई करेंगे। दाल अच्छे से फ्राई हो गई, अब इसमें राइस ऐड कर देंगे ये वाले। तो राइस मैंने डाल दिया और ये राइस भी दाल के साथ ही भूनेंगे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए। इनको अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। तो दाल के साथ राइस मिलके राइस भी 1-1.5 मिनट मैंने भून लिए और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। तो मैंने नमक लिया है 1 और ये 1/2 चम्मच, 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला है। और मैंने इसमें ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर भी डाली है, तो मैं इसमें रेड चिली कम डालूंगी, 1/4 चम्मच ही डालूंगी। और 1 चम्मच गर्म मसाला बस, इसके अलावा मैं इसमें कोई भी मसाला नहीं डालूंगी। और अब इनको मिक्स कर लूंगी। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जितने मेरे राइस थे उतना पानी ऐड कर दिया है। और 1 कटोरी पानी इसमें अभी और डलेगा क्योंकि दाल भी है ना। तो बस 1 कटोरी पानी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ और बस इसको अच्छा सा एक बॉयल आने देते हैं हम। देखिए इसमें बहुत अच्छे से बॉयल आ गया
और अब हम इसको ढक्कन लगाकर इसको 3 विसिल दिलवाएंगे। दोस्तों प्रेशर भी निकल चुका है, तो चलिए खोल के देखते हैं हमारे राइस कैसे बने हैं। तो देखिए आपके सामने है एकदम परफेक्ट खिले खिले चने की दाल की खिचड़ी। चलिए इसको सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, मैंने चने की दाल की खिचड़ी को सर्व कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली खिचड़ी बनी है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। और मैंने इसको बूंदी के रायते और पापड़ के साथ सर्व किया है, और हमारे यहाँ सबको ऐसे ही पसंद आती है। तो अगर आपको मेरा आज का चने की दाल की खिचड़ी का वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।